सर्वेभ्यः नमो नमः। श्रमः एव जयति, हमेशा हार्डवर्क की ही विजय होती है। ये कोट मैंने आपसे इसलिए कहा है क्यों तो आज महाराष्ट्र दिन स्थापना दिवस और गुजरात स्थापना दिवस है और सारे विश्व में आज का दिन 1 मई ये दिन हम सारे विश्व भर में हम क्या कहकर मनाते हैं, हम सारे विश्व भर में इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहकर मनाते हैं। और इसी श्रमिक दिन के उपलक्ष्य में और महाराष्ट्र दिवस एवं गुजरात स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैंने आपसे ये कोट इसलिए कहा है कि यदि हम हमारे किसी ध्येय के लिए, हमारे किसी गोल के लिए हम यदि बहुत कड़ी मेहनत अपनी लेवल पर यदि करते हों तो उसे भगवान भी हमें बहुत अच्छी तरह से हमें मानकर हमें भगवान भी आशीर्वाद दे देते हैं और हमें सक्सेसफुल बना देते हैं। तो इसी कामना के साथ मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। हम मेरे जानकारी के अनुसार हम संस्कृत वसुधा की बुक में क्या देख रहे हैं बच्चों, आप भी जानते हो क्या देख रहे हैं, निकालो किताबें निकालिए, चलो निकालो, वक्त ज़ाया मत करो। किधर गया, हाँ मिल गया, चलो लिंग परिचय हम देख रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जिसके द्वारा किसी विशेष जाति का बोध होता है ऐसा चिन्ह, संज्ञा या सर्वनाम की जाति का जिसके द्वारा विशेष जाति का बोध होता है इसे हम लिंग कहते हैं। संस्कृत में 3 लिंग हैं, अन्य भाषाओं में या हिंदी में 2 लिंग होते हैं, अन्य भाषाओं में उनके व्याकरण के अनुसार लिंग के भेद पाए जाते हैं। जैसे कि मराठी में कुछ अलग होगा तो हिंदी में कुछ अलग होगा, अंग्रेजी में कुछ अलग होगा तो संस्कृत में कुछ अलग होगा, ये तो सभी जानते हैं। वैसे ही लिंग के 3 भेद संस्कृत में हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग की जिसके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग की जिसके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है और नपुंसकलिंग की जिसके द्वारा नपुंसकलिंगी जाति का बोध होता है। पुल्लिंग में हमने बालकः पुरुषः वृषभः गजः बालिका महिला धेनु सरिता, पुल्लिंग में क्या क्या देखा है हमने, बालिका सरिता पुल्लिंग में आएगा क्या, नहीं आएगा, किसमें आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, सही बात है। पुरुषः वृषभः गजः बालकः ये सारे किसमें आएंगे, ये सारे डेफिनेटली पुल्लिंग में ही आएंगे। महिला धेनुः सरिता बालिका नदी रमा आदि आदि जो वर्ड्स ये आएंगे स्त्रीलिंग में, और तो और नपुंसक लिंग में आएंगे चक्रम पुस्तकम पुष्पम गृहम, इसके इस तरह के वर्ड्स। बाद में हमने पिछले पाठ में हमने सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में अध्ययन किया है। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अवर्ण आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे वृक्षः चंद्रः छात्रः मयूरः हस्तः कुक्कुरः पिकः सर्पः नृपः सिंहः अध्यापकः कृष्णः देवः रामः आदि आदि, हंसः मृगः पर्वतः मूषकः। बाद में हमने देखे हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई वर्ण आता है वे सब इकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, कपि ही कवि ही गिरि ही मुनि ही अग्नि ही रवि ही भूपति ही हरि ही आदि आदि। बाद में हमने उकारांत पुल्लिंग शब्द भी देखे हैं, ये हम सब रिवाइज जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि हमें हम समझ सके अच्छी तरह से, इसलिए विष्णु हो इंद्र हो साधु और शिशु हो, और भी कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, कौन से थे वर्ड्स, वो पशु हो भानु हो तरु हो गुरु हो, ठीक है। आगे अकारांत पुल्लिंग शब्द कुछ है आपकी किताब में, वही पढ़ रहा हूं मैं, अजह मेघह मकरः जनकः बिडालः रावणः प्राज्ञः अश्वः पुत्रः, ठीक है। इकारांत पुल्लिंग शब्द कि जो ई से जिनके अंत में ई आता है वो औषधी ही द्रिपति ही सेनापति ही राष्ट्रपति ही निधि ही अतिथि ही, ठीक है।
आगे उकारांत पुल्लिंग शब्द वायुहु शत्रुहु श्रद्धालुहु आराधना करने वाला कौन होता है? श्रद्धालु होता है। ठीक है, रिपुहु यानी के दुश्मन। ठीक है, करंट सीनियर में हमारे देश का दुश्मन कौन है? कोरोना है ना, सारे विश्व का दुश्मन बन गया आज तो, हमारे देश का ये सिर्फ नहीं, लेकिन इस वैश्विक महामारी से हम आज जो लड़ रहे हैं ना, तो बच्चों में आपसे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि इस टाइम स्पिरिट में ना, ये अपना ना इस टाइम सिनेरियो में इतने बड़े प्रॉब्लम में भी हमारा देश ना एकदम ऐसे डट कर खड़ा है, बहुत बड़ी बात है भाई। इसी वजह से हम भी बहुत डट कर खड़े हैं, तो डट कर खड़े रहना यानी क्या है, इस लड़ाई में हमें डट कर खड़े नहीं रहना है, हमें हमारे घर में ही रहना है। ठीक है, तो आज हम स्त्रीलिंग पद का अध्ययन करने वाले हैं। आप भी जानते हो कि जिन पदों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है हम उन्हें स्त्रीलिंग पद कहते हैं। सामान्य रूप से स्त्रीलिंग पदों के हमें जो भी आज हम कुछ उदाहरण देखने वाले हैं उनका ही अभी हमें अध्ययन करना है और आज हम वहीं पे रुकने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपसे ये चीज़ कहते हुए मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि ये जो लिंगवाची पद होते हैं इनके द्वारा हमें उनका करेक्ट लिंग समझने की वजह से संस्कृत के व्याकरण में फ़ायदा ये होता है हमारा कि या हमारी नॉलेज तो बढ़ती ही है, लेकिन हमें एक चीज़ सीखने मिल जाती है कि जो भी व्याकरण में आवश्यक है कि शब्द के लिंग के अनुसार उसको समझना यदि हमें आ जाए तो उसकी उचित विभक्ति, उसका योग्य रूप हम आगे रख सकते हैं। और लेकिन हमारे पास यदि वैसा ज्ञान न हो तो हमें वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, अभी हम इकारांत या शुरुआत में हमें आकारांत का पॉइंट है, बाद में इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और बाद में दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उतना ही हमें अध्ययन करना है इस साल के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं हम, जिस पहला है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल्स के संदर्भ में या फेमिनाइन जेंडर हम जिसे कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो फेमिनाइन जेंडर के संदर्भ में हमें देखना है, तो हम देखें तो मैं व्याख्या पढ़ता हूं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी कि जिस स्त्रीलिंग या स्त्रीवाची पद के अंत में आ होता है, हम उसे आवर्ण होता है, हम उसे क्या कहते हैं? वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं जिस शब्दों के अंत, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आवर्ण आता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे रमा, नौका, कन्या, चटका, महिला, अजा, मूषिका, अध्यापिका। देख सकते हो आप, चटका के अंत में क्या है? आ है। कन्या के अंत में आ है, रमा के अंत में आ है, नौका के अंत में आ है, महिला के अंत में आ है, अजा के अंत में आ है, मूषिका के अंत में आ है, अध्यापिका के अंत में आ है। इसी तरह से सरिता, वाटिका, छात्रा, लता, ठीक है, गायिका, माला, द्विचक्रिका, बालिका। आज हम कुछ स्त्रीलिंगी पद आकारांत पढ़ेंगे, यानी कि आपको जरा सी एक समझ आ जाए वर्ड्स के बारे में कि जब आपको वर्ड्स का अध्ययन करना हो तो आपको उसमें बहुत ही आसानी जाए। इसलिए किधर गए वर्ड्स? यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है बच्चों, पेज नंबर 77 आप निकाल सकते हो, या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपाणी ऐसे है, देखो हाँ, देख सकते हो आप। वेरी गुड। बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, बालिकां, बालिके, बालिकाः द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः पञ्चमी, बालिकायाः,
क्षमा कीजिएगा, शायद मैं एक विभक्ति भूल गया हूँ, मैं अभी स्टार्ट से बोल रहा हूँ। बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पञ्चमी, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी। हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः संबोधनम, यानी कि जो शब्द आ से जिनके अंत में आ होता है हम उन्हें अकारांत स्त्रीलिंग पद कहते हैं, कि जिसके अंत में आ होता है हम उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग पद। तो फिर से मैं आपकी किताब के जहाँ पर आपका पाठ चल रहा था वहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। बाद में समझ गया आप अकारांत स्त्रीवाची पद या स्त्रीलिंगी पद किसे कहा जाए। हाँ, तो आगे इकारंत ह्रस्व इकारंत स्त्रीलिंग शब्दाः, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई वर्ण आता है इकारंत स्त्रीलिंग शब्द वह कहलाते हैं। बुद्धि ही शांति ही रात्रि ही वामति ही, बुद्धि ही वामति ही, हाँ बुद्धि ही या वामति ही, इट मीन्स द ब्रेन, ओके। स्मृति ही याददाश्त, शुद्धि ही पवित्रता, धूलि ही मिट्टी। तो जिसके अंत में ह्रस्व ई आता है वैसा एक शब्द हम अभी और एक बार पढ़ेंगे, कि जैसे अभी अभी हमने बालिका शब्द पढ़ा है वैसे ही अभी हम एक शब्द पढ़ेंगे। है क्या यहाँ पर, है क्या यहाँ पर, नहीं है तो फिर कैसे करें। तो फिर थोड़ी सी मैं अभी आपकी हेल्प कर देता हूँ, सिर्फ आपके अभी पढ़ने के लिए ही आप ध्यान में लीजिएगा, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो ह्रस्व इकारांत शब्द मुझे एक मिल गया है, हम वो बोलते हैं, ठीक है। ह्रस्व इकारांत देख सकते हो आप, इसके अंत में पहली ई है, हा है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, मति ही इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द, मति ही मति मतयः प्रथमा, मतिं मति मति ही द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया, मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः चतुर्थी, मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः पञ्चमी, मतेः मत्योः मतीनां षष्ठी, मतौ मत्योः मतीषु सप्तमी। हे मते हे मति हे मतयः संबोधनम। इसी तरह से ह्रस्व इकारांत यानी कि पहली ई वाले शब्द हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ है पढ़ के बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी बढ़े इसीलिए कर रहा हूँ। रति बुद्धि गति संगति शांति भूमि श्रुति आदि के रूप मति के समान चलते हैं। मति का आप देख सकते हो पहली ई है, ठीक है, पहली ई, ठीक है, इस तरह से। तो आगे दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में दीर्घ ई आता है, ठीक है, तो उन्हें हम वे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पुत्री, अब देख सकते हो पहले इसमें सिर्फ इतना ही ई था, अभी ये पूरा ई लेकर ऊपर ई लिखा है, बड़ी ई है ये, ठीक है। पुत्री सखी दासी पृथ्वी, पृथ्वी इट मीन्स द अर्थ, ओके माय डियर फ्रेंड्स। रजनी सरस्वती जननी नदी। तो अभी हम प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक क्या रूप हो सकते हैं एक स्त्रीवाची स्त्रीलिंगी पद के, हम देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है वर्ड नदी, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंगी नदी शब्द, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभिः नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पञ्चमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी। हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः संबोधनम्।
पार्वती, गायत्री, नारी, सती, देवी, पृथ्वी, गौरी, रजनी आदि के रूप नदी के समान चलते हैं। दीर्घ ई है, समझ रहे हो बच्चों? हाँ, तो आगे पुत्री, सखी, दासी, पृथ्वी, सरस्वती, रजनी, जननी, नदी। ठीक है, अब तक हमने आज के पाठ में हमने स्त्रीलिंग स्त्रीवाची पदों का अध्ययन किया है कि जो आकारांत, इकारांत और दीर्घ इकारांत पद हमारे लिए इस पाठ में हमने ये पूरे पद आज इनका अध्ययन हमने किया है। तो थोड़ा सा अंत के वक्त में रिवाइज करने से पहले और मेरा पाठ रोकने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बहुत टाइम टू टाइम अपना वर्क टाइम टू टाइम सबमिट कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे। लेकिन अभी भी कुछ लोग कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले एक मंथ में हमने जो भी वीडियोस आपको दिए हैं, खासकर मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में पहले बात कर रहा हूँ और मैं मेरे ही सब्जेक्ट के बारे में अभी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने आपको जो भी वीडियोस दिए हैं उसको अभी अप्रॉक्सीमेटली वन मंथ में मैंने आपको जो भी वीडियोस देने का ट्राई किया है, वो वीडियोस आप बार बार देखें और उसके बाद ही आप वर्कशीट को हाथ लगाएं। विदाउट वॉचिंग वीडियोस उधर ना जाएं, फर्स्ट यू वॉच द वीडियोस। एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डियर स्टूडेंट्स प्लीज वॉच द वीडियो एंड देन सॉल्व द वर्कशीट गिवन इन द अटैचमेंट। सबमिट योर सॉल्व वर्कशीट ऑन माई मेल आई डी, वॉट इज माई मेल आई डी देयर एंड रिटर्न देयर, यू नो दैट। बट यू आर जस्ट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट एंड रीड द, not just read the instructions, follow all those instructions. Okay, now at the end I am doing some revision and then I will stop my teaching for today. Akaranta strilinga shabda, vruddha budhi aurat, krida khel, shakha tahini, you mean tahini, it means the branch of the tree. Okay, nasika na nose, कथा कहानी, घटिका घड़ी, पाकशाला रसोई घर, शीला पत्थर, सुधा अमृत, निशा रात, वसुधा पृथ्वी, सूता पुत्री। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द की जो मैंने आपको मति शब्द पढ़े के दिखाया ना वैसे, भक्ति ही भक्ति, रुचि ही रुचि, गति ही चाल, रीति ही रीति, यानी कि जो भी कई सालों से चलता रहे हमसे रीति कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है बच्चों? शक्ति ही शक्ति, मति ही बुद्धि, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द, नारी स्त्री, महिषी भैंस, धी ही बुद्धि माइंड, इट मीन्स यू नो दैट बुद्धि इट मीन्स माइंड, रजनी रात, राधनी रानी, लेखनी कलम, भगिनी बहन, मृगी हिरणी, मही पृथ्वी। ठीक है, तो आज के वर्कशीट में मैंने आपको इसके ही बारे में सारा ज्ञान देने का ट्राई किया है, तो आपको इसको ही देखना है ठीक तरह से और इसी वीडियो का बार बार देखें और आपको इतना ही अध्ययन करके आगे बढ़ना है। अगले पाठ में हम अकारांत नपुंसक लिंग पदों का ध्यान अध्ययन करके उसकी तरफ ध्यान देकर कुछ जो स्मरणीय तथ्य है इस पाठ के उसका हम अध्ययन करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। वर्कशीट में मैंने आपको जो भी एक आसान सवाल देने का मैंने ट्राई किया है आप उसे सॉल्व करें। और जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने अपने आपको एकदम बिगिनिंग में मैंने कुछ तो कहा था आपसे, कहा था या सेवन स्टैंडर्ड से कहा था या मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भी मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि यत्र इच्छा तत्र मार्ग, वेर इज विल देर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। इंसान अपनी इच्छा के बलबूते पर सारी चीज़ें जिंदगी में पा सकता है, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर, उन्हीं चीज़ों को अपने सामने फोकस कर हमें आगे बढ़ना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तभी हम कुछ अलग कर पाएंगे दुनिया की नज़रों में,
और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ बी अलर्ट, हमारी इच्छा के बलबूते पर ही सारी चीज़ें हैं। यदि हम ठान लें कि मुझे कोई चीज़ पानी है या कोई चीज़ मुझे जीतना है तो हम डेफिनेटली जीतेंगे बच्चों। तो इसी चीज़ के कामना के साथ कि आप अच्छी इच्छाएं रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, खुद की सेहत का ध्यान रखें और आपकी इस हथेली पर आपका भविष्य संवारने के लिए आप इस बंद मुट्ठी को खोलकर खुद का ज्ञान बढ़ाएं। इसी कामना के साथ मैं अभी रुकता हूँ। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम्। नमः संस्कृताय। जय हिंद। नमस्ते। जय हिंद।